चलो डन विद द शॉपिंग एंड थैंक यू सो मच, यहाँ का स्टाफ है तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की मेरी। और अभी EMI मेरा शुरू, तो आपको जैसे पता है कि मैं ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ, बाइक से हो या कार से हो, एंड समटाइम्स वेल ट्रैवलिंग इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ माई हेल्थ कि मुझे क्या खाना चाहिए, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग और बाहर ही खाना पड़ता है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। और आप कितना भी बाहर का खा लो, कहीं भी खा लो, इट इज़ काइंड ऑफ अनहेल्दी, ऑल्सो इट गिव्स यू अनडाइजेशन इफेक्ट्स। सो आई फाउंड आउट अ सिंपल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, दैट इज ओजीवा सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स। सो नाउ इफ आई हैव टू ईट एनीथिंग आउटसाइड, कोई टेंशन नहीं है, आई कैन कम बैक एंड ड्रिंक दिस। बताता हूँ कैसे। तो आपको बस इसके दो स्कूप लेना है और एक ग्लास में डालना है अप्रॉक्स 200 ml पानी के साथ, और उसको अच्छे से एक बार मिक्स करना है, एंड दैट्स इट। दिस ग्लास इज फुल ऑफ 8 एसेंशियल हर्ब्स, 10 इम्यूनिटी हर्ब्स एंड 32 डिटॉक्सिंग इंग्रेडिएंट्स विच मेक्स दिस 10 टाइम्स हेल्दियर, एंड बाय द वे इट्स क्वाइट फिलिंग। सो दिस इज द वन थिंग दैट कवर्स ऑल माई प्रॉब्लम, बिकॉज हम जब भी ट्रैवल करते हैं, राइड करते हैं, हमको बाहर का ही खाना होता है, बाहर हमेशा अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलते, कभी कभी ढाबे में खाना पड़ता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग कोविड टाइम्स बाहर का खाना काफी सारे लोग अवॉइड करते हैं, मतलब जितना हो सके उतना, इंक्लूडिंग मी। सो दिस प्रोडक्ट इज अ लाइफ सेवर, इट नॉट ओनली कीप्स योर मेटाबॉलिज्म गुड, बट ऑल्सो दिस इज अल्कलाइजिंग ड्रिंक विच इंप्रूव्स योर स्किन हेल्थ एंड रिड्यूसेस एक्ने एंड पिंपल। एक्चुअली सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स, दिस फ्लशेस आउट एक्सेस ऑफ एसिड एंड प्रमोट्स गुड डाइजेशन, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी। तो बिलीव मी, वन सर्विंग ऑफ सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स इज इक्विवेलेंट टू 10 सर्विंग्स ऑफ ग्रीन्स। आई मीन दैट्स इनक्रेडिबल, इतना ग्रीन्स हम एक दिन में, एक हफ्ते में भी नहीं खा पाते, जितना ये दो स्कूप में दे देता है। वैसे तो दिस कैन बी कंज्यूम्ड एट एनी पार्ट ऑफ द डे, लेकिन इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको सुबह मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करें, एंड दिस कैन बी कंज्यूम्ड बाय एनीबॉडी अबव 12 ईयर्स ऑफ एज, मैन वुमेन एवरीबॉडी। सो इन केस यू वांट टू ट्राई ओजीवा सुपर फूड ग्रीन्स एंड हर्ब्स, मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, स्पेशली फॉर ट्रैवलर्स एंड राइडर्स, ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है, हर राइड में अपने साथ ये रहेगा। वैसे इसकी मैं एक रूटीन लगाने वाला हूँ, इट्स रियली गुड फॉर हेल्थ। सो इन दिस दिवाली सीजन टेक अ गुड स्टेप टुवर्ड्स अ हेल्दी एंड हैप्पियर लाइफस्टाइल, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। तो हम लोग आ चुके हैं हेमंत भाई के वर्कशॉप के जस्ट नज़दीक, अभी आज संडे तो आई एम नॉट श्योर वो रहेंगे क्या, नहीं तो एक बार एक हाय हेलो बता के निकल जाते, लेकिन ठीक है हमको भी लेट हो रहा है। ये देखो, बहुत ही रेयरली आपको मुंबई में ये दृश्य देखने को मिलेगा, मेट्रो के ऊपर मेट्रो। तो ये अपनी एग्जिस्टिंग मेट्रो जो चल रही है, ये DN नगर स्टेशन, और इसके ऊपर से मेट्रो जा रही है, थोड़े दिल्ली वाला वाइब जा रहा है ना। कार की डिलीवरी लेने के बाद देखो क्या दिख गया। अपने टाइम पे, वेन्यू के टाइम पे थार होती ना, तो मैं 100% सोचता कि हम थार ले। सो काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स है यहाँ पे, चलो कुछ खा लेते हैं क्विक में। सैंडविच रेस्टोरेंट ढूंढ ढूंढ के हम लोग थक गए, तो सोचा चलो छोड़ो क्विक में निपटा देते हैं। अभी कोई X7 दिखी, बोल रही उसमें सेलिब्रिटी था, देखो कैसा पता चला। मुझे एक बच्चा दिखा और उसके साथ उसकी नानी दिखी, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है। तुझे क्या लगा वो तैमूर? नहीं, तैमूर का भाई, तैमूर का भाई। यू नेवर नो, हो सकता है वी आर इन ओसीवारा, हो सकता है। चलो, वी हैविंग सम फूड, स्ट्रीट फूड कभी खाया नहीं ना तूने? मुंबई स्ट्रीट फूड आज खाया, मतलब ऐसा वो जी पाव वगैरह नहीं खाया, गुरजी पाव। मैं सैंडविच खा रहा हूं इतने गर्मी में। चाय, गर्मी और चाय का क्या लेना देना? चाय चाय गर्मी में पी जाती है, ठंडी में काफ़ी लोग होंगे जो गर्मी में चाय पीते हैं। yes. वैसे गर्मी में चाय पीने का मज़ा अलग ही है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। कभी पी के देख। नो नो, चलो नाइस मीटिंग यू। क्या नाम तुझे? मयूर पटेल। मयूर पटेल, तो चलो हम लोग आ चुके हैं एप्पल स्टोर में टू बाय अ न्यू, चलो कर ही लेते हैं अभी, बहुत दिनों से जो गुजारिश थी। तो ये पार्ट मैंने स्पेशली ये वीडियो के लिए रखा था कि हमारा श्योर नहीं था, अभी आते आते हमने श्योर कर लिया, चलो देखते हैं, अच्छा लगा है तो ले लेते हैं। लगे है तो आईफोन 13 पे देख ले। नहीं, चलो। आपको पता है काफ़ी वीडियोस में बता रहा था मुझे मैकबुक लेना है, लेकिन दो ऑप्शन है, एक है प्रो एक है एयर, मोस्टली आई बाय एयर बिकॉज अपनी ज़रूरत के लिए इनफ है ना। तो देख रहे हैं कौन सा कलर क्या, एक फाइनल डिसीजन ले रहे हैं। और यहाँ पे देखो आईफोन 13 कौन सा कलर अच्छा है, देखिए दिस इज अ स्टैंडर्ड एप्पल कलर जो हमेशा रहता ही है, दिस इज गोल्ड बट ये थोड़ा रोज गोल्ड टाइप है, तो ये नहीं चाहिए मुझे, ये पर्सनली अच्छा लगा, ऐसा थोड़ा स्टैंडर्ड लुक आता है ना, थोड़ा बिजनेस लुक, ग्रीश। तो काफ़ी सारा विचार विमर्श करने के बाद ले लो अपने काम का है ना, कर लेते हैं, चलो डन। दिवाली गिफ्ट फॉर माई सेल्फ, अच्छी खासी डील मिली है, 6000 का कैशबैक है तो, और पुराना लैपटॉप बेचेंगे तो 20-25 हज़ार आ जाएगा, तो अच्छा है ना, ठीक है ना, मतलब क्लोज टू मैंने वो लैपटॉप जितने का लिया था उससे थोड़ा ज़्यादा ये पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है।
सोचना यार, एग्जैक्टली ये अपना पैनियर में तो क्या टैंक बैग में भी आ जाएगा, इतना कॉम्पैक्ट है। और इसका बैटरी बैकअप 18 आवर्स बोल रहे, लेकिन 10 घंटा भी चल गया ना तो बहुत है। वैसे नया वाला मैकबुक आ रहा है पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रो लेवल का है तो अपने को काम नहीं है उसका। पब्लिक बोलेगी क्या खर्चे पे खर्चा, लॉटरी लगी है, लॉटरी वोटरी नहीं लगी है, बड़ा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, बचा बचा के खर्चा, अभी और मेहनत करेंगे और इसका भुगतान करेंगे। चलो डन, लेट्स बुक इट। और ये देखो एप्पल वॉच सीरीज 7, क्या बात है, ऐसे से प्रोडक्ट से एप्पल बिगाड़ता है लोगों को। सो खरीदी झालेली आहे मित्रांनो, आणि हियर इज आवर न्यू लॅपटॉप, क्या बात है, गरमागरम। सो हो रहा है हमारा मॅकबुक सेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, चलो डन विद द शॉपिंग एंड थैंक यू सो मच। यहाँ का स्टाफ है तो काफ़ी उन्होंने हेल्प की मेरी, और अभी ई एम आई मेरा शुरू। चलो तो राइट नाउ इट इज 5 बज गए, वहाँ पर मुझे लगा ही था शाम होने वाली। एनीवेज बहुत प्यास लगी तो पानी पीते हैं और निकलते हैं, घर जाने को अभी 1.5 घंटा लगेगा और फिर तो मुझे लैपटॉप सेटअप भी करना है, आज रात को नींद नहीं आएगी। तो वो वाला नाश्ता करके हमारा पेट भरा नहीं, सो ये वाला नाश्ता शुरू है और नया वाला। बाय द वे थैली कैसी फट गई है, अरे थोड़ी अच्छी क्वालिटी की थैली देना चाहिए। ए काय करतोस, जा माझा माझा है तो जा चल। सबसे पहले स्टेप पूजा, क्योंकि ये सब चीज़ें अपनी प्रोडक्टिव चीज़ें, इससे अपन वीडियोस बनाते हैं, आप लोग देखते हैं फॉर मेनी इयर्स टू कम, हम लोग इससे वीडियो बनाएंगे। रोजी रोटी, रोजी रोटी बोल सकते हो, सपना काइंड ऑफ मेरा सपना ही था ये जो पूरा हो गया है। सुना क्या भगवान ने क्या बोला? क्या? अब भी बोला सुना नहीं तूने? क्या? वेलकम टू एप्पल इकोसिस्टम। यस, अभी हमारा प्रॉपर एप्पल इकोसिस्टम हो गया। वी हैव अ आईफोन, वी हैव अ मैक, तो दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अभी एप्पल वॉच भी है ठाकुरायन जी की, और अभी क्या बचा है, एयरपॉड्स। कितना छोटा है यार, इट इज सो कॉम्पैक्ट, मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे फोन का थिकनेस और इसका थिकनेस काइंड ऑफ सेम ही है, थोड़ा सा ये मोटा है विच इज ऑब्वियस, लेकिन वेरी कॉम्पैक्ट यार, मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे, राइडिंग के टाइम पे स्पेशली पैनियर में तो आराम से चला जाएगा। तो अपने नए मैकबुक को मैंने कॉन्फिगर कर लिया है अच्छा खासा, मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लिया, ज़्यादा मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है एक्चुअली इसीलिए, तो मुझे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि विंडोज़ में स्टार्ट बटन, छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन से मैं करते आ रहा हूँ, वो सब कुछ अभी चेंज हो जाएगा, मैकबुक में सब कुछ अलग है। इसीलिए मैंने तुरंत एडिटिंग इस पर शुरू नहीं किया, क्योंकि एडिटिंग शुरू करने के लिए इसमें काफ़ी और चीज़ें भी लगेंगी, एज यूजुअल एप्पल है तो फिर आपको खर्चा और करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ 2 USB टाइप सी है थंडरबोल्ट पोर्ट्स, तो इसमें हार्ड डिस्क नहीं लगा सकता हूँ, SD कार्ड नहीं लगा सकता हूँ, कुछ नहीं लगा सकता, वो सब सामान अभी आया हुआ है। अभी सॉफ्टवेयर भी देखना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, अभी तक मुझे बहुत, मतलब हार्डली मैं बोल सकता हूँ सिर्फ 10% मुझे समझ में आया है, अभी 90% मुझे सीखना बाकी है, मुझे सीखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि फाइनल कट प्रो भी थोड़ा सीख लूँ, क्योंकि एप्पल में फाइनल कट प्रो एकदम टकाटक चलता है, एडिटिंग की लेवल अपने एकदम ऊपर हो जाएगी, देखते हैं। बट मीनवाइल एप्पल बोलता है कि और खर्चा करो, मैकबुक ले आना तो फिर उसके लिए डोंगल खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, तो आ गया है काफ़ी सारा सामान। इनफैक्ट मैकबुक लेने के तुरंत बाद मैंने ये ऑर्डर कर दिया तो एक दिन में आ गया। सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही, अभी लैपटॉप को अपने SD कार्ड ये वो सब कुछ लगाने के लिए अडाप्टर चाहिए होता है, और ये मैंने चूज़ किया अडाप्टर, काफ़ी सारे मिलते हैं ऑनलाइन, वो 2 स्लॉट वाला भी मिलता है, बट रिव्यूज़ में मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, और ये सिंगल वाला है तो एक स्लॉट अपना खाली रहेगा इधर फॉर चार्जिंग, और उसमें मैं हार्ड डिस्क लगा दूंगा, इसमें भी लगा सकता हूँ। इसमें 2 SD कार्ड स्लॉट, छोटा और बड़ा, 2 USB 3, और यहाँ पे एक HDMI, दैट्स इट, पीछे कुछ नहीं है, और ये टाइप सी जो जाएगा मैकबुक में, तो इससे अपन सब कनेक्ट कर लेंगे। ये रहा दूसरा पार्सल, ये पार्सल में मैकबुक को प्रोटेक्ट करने वाली चीज़ें हैं, वैसे तो स्टडी है लेकिन कैसा है भाई, ये गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो बेटर है कि इसके लिए एक केस लगा ले इसको, और एक पाउच, और एडिटिंग करने के लिए मैं माउस का यूज़ करता हूँ, अभी इसमें माउस का डोंगल में से डाल सकता हूँ, लेकिन एक ब्लूटूथ माउस अगर ले लिया विदाउट डोंगल यूज़ करने वाला तो देखते हैं इन फ्यूचर, फिलहाल के लिए अपन इसी में डाल देंगे। सच बताऊँ तो एप्पल ने मुझे बिगाड़ दिया है बहुत ज़्यादा, मैंने जिस दिन आईफोन लिया उस दिन से मेरा सब कुछ पूरा अप्रोच चेंज हो गया टेक्नोलॉजी की तरफ। जब आईफोन लिया था तब मैं मैकबुक लेने वाला था, लेकिन पुराना फ़ोन ख़राब हो गया तो आईफोन लेना पड़ा, ठीक है 6 महीने बाद दे रहा है, दुरुस्त आए, ऊपर वाले के और माँ बाप के हमेशा हम शुक्रगुजार होते हैं, उन्होंने दिया है सब कुछ, मतलब ये तो मैंने खरीदा है लेकिन हमको इस काबिल उन्होंने ही बनाया है। और ये मैंने ट्रांसपेरेंट मंगाया है ताकि मैक का जो फील है वो रहे। ओह, तो इसमें 2-3 चीज़ें हैं, कीबोर्ड का सिलिकॉन कवर भी है शायद 2 है, और पोर्ट्स के प्लास्टिक के ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पोर्ट्स में डाल सकते हो जस्ट टू कीप डस्ट अवे,
तो ये देखो, ये है कीबोर्ड का कवर। दो क्यों आया मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, इसमें भी एक है। ओ, इसमें स्क्रैचेस पड़ने वाले हैं, थोड़ी सी सीजर क्या लग गई यहाँ पे, हल्का सा आ गया। ठीक है चलो। सो कवर लग चुका है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, पीछे भी आगे भी काफ़ी अच्छी फिनिश है। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये स्लीव, ताकि ट्रैवलिंग में जब भी हम जाएंगे तब लैपटॉप सुरक्षित रहे। इसमें एक पाउच है, इसमें आप आपका चार्जर वार्जर सब डाल सकते हो। और थोड़ा सा बड़ा है ये, 13.3 है लैपटॉप इस 13, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लैपटॉप इसमें सेफ। जस्ट इन केस आपको ये स्लीव्स और ये वाला कवर खरीदना, आपके पास मैकबुक है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आपके लिए इजी हो जाएगा टू सर्च। और ये देखो बस पसारा, कितना सारा पसारा, ये सारे गैजेट्स हैं जो अभी मुझे पैक करने हैं, बिकॉज कल सुबह हम लोग निकल रहे हैं अकोला के लिए। थैंक गॉड आज सब प्रोडक्ट आ गए ना, तो मुझे टेंशन आ गया था कि मैं क्या करूँगा, मतलब इसके, चलो ये दोनों चीज़ें नहीं आई तो चलेगा, लेकिन इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो थैंक गॉड सबके सब आ गए। दैट्स इट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। सुबह से मैकबुक से भी आने वाले बहुत सारे साल मैं वीडियोज एडिट करूंगा, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। और जितने भी लोग मुझे विश कर रहे, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो, एंड एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट ब्लॉग, ट्रैवलिंग, सबसे बड़ी ट्रिप काजू की ऑन रोड। काजू excited, चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना फॉर लाइव अपडेट्स, आई विल बी इन अकोला फॉर फ्यू डेज़।